दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पेटीएम से बिजली बिल जमा कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि बिजली बिल जमा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है पेटीएम जो है ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप पेटीएम को ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑप्शन है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक सर्च होगा। सर्च होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप स्टेट से हैं, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे यूपी हो, तो आप यहाँ पे दोस्तों अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बिहार के हैं तो चलिए बिहार को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट बोर्ड में आपका नॉर्थ बिहार पावर है या साउथ बिहार पावर है, तो आपको यहाँ पे अपने कंज्यूमर में आपको देख लेना है। तो कंज्यूमर में आपको देख लेना है रसीद में। तो यहाँ पे चलिए मेरा NB है, नॉर्थ बिहार, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से कागज़ देखने के बाद आप यहाँ पे सर्च देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों CA नंबर यानी कि आपका कंज्यूमर नंबर, जो उपभोक्ता संख्या होता है, जो आपको बिजली लिए होंगे तो वहाँ पे आपको कागज़ दिया होगा, तो CA नंबर वहाँ पे लिखा रहता है। नहीं तो कुछ हम आपको सिंपल दिखाते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रहता है CA नंबर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पे कंज्यूमर नंबर यानी कि CA नंबर यहाँ पे अपना डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे CA नंबर डालते हैं तो चलिए हम यहाँ पे, तो दोस्तों कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम आ चुका है और बिल अमाउंट आपका कितना आया है और ड्यू डेट कब से कब तक आपको जमा करना है। तो देखिए मेरा 385 है और मेरा पिताजी का, चलिए यहाँ पर हम इसको पे करना है, तो प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे है प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सर्च होने के बाद आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपने पेटीएम से लिंक किए होंगे अकाउंट से तो आपको यहाँ पे उससे भी पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास डेबिट कार्ड है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है, या नहीं तो नेट बैंकिंग है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल, अगर आपके पास ATM है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग भी है यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिंक किए स्टेट बैंक के साथ, यहाँ पर हम पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो देखिए CVV नंबर मांग रहा है, यानी कि आपको SBI डेबिट कार्ड से यहाँ पे आप भी पे कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पे चलिए हम स्टेट बैंक से लिंक किए हैं तो यहाँ पे हम पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सेकेंड जो है वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आप जो है UPI आ गया यहाँ पे, जो आप लिंक किए होंगे तो वहाँ पे UPI जो है पिन सेट किए होंगे वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों पिन देने के बाद UPI पिन तो आपको यहाँ सही वाले निशान पे जो नीचे में है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं बैक वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो है ये हो जाएगा सक्सेसफुल। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से जो है बिजली बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो की मदद से आपको कोई भी हेल्प हुआ है तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइए। और
नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे देखना चाहते हैं वीडियो, वो भी बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।